कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की। नगर निगम मुरैना की माली हालत सुधारने के लिए नगर निगम आयुक्त संजीव जैन ने जलकर संपत्ति कर जमा करने के लिए शहर के प्रत्येक वार्ड में वसूली के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में नगर निगम मुरैना ने POS 20 की मशीनें भी खरीदी हैं, जिसमें तत्काल मौके पर टैक्स वसूली की कार्रवाई की जा सके। आज मुरैना शहर में 3 क्षेत्रों में वसूली के कैंप आयोजित किए गए, जिसमें जीवाजीगंज पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया कैंप आयोजित किए गए। इंडस्ट्रियल एरिया में नगर निगम आयुक्त संजीव जैन ने व्यापारियों के साथ बैठक करके व्यापारियों को बताया कि शहर के विकास के लिए हमें टैक्स जमा करवाना बहुत आवश्यक है। आयुक्त श्री ने हाथ जोड़कर व्यापारियों से बकाया टैक्स जमा करने का अनुरोध भी किया। वहीं उन्होंने नोटिस की कार्रवाई के बाद यदि आम नागरिक टैक्स जमा नहीं करेगा तो उनकी संपत्ति की कुर्की करने की कार्रवाई की जाएगी। मुरैना शहर की जनता के ऊपर नगर निगम मुरैना का 18 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में बकाया है। वहीं मुरैना आयुक्त संजीव जैन अपनी छवि के लिए जाने पहचाने जाते हैं। उन्होंने शहर को विकसित करने के लिए शहर के हित में कठोर निर्णय लेना शुरू कर दिए हैं। वहीं उन्होंने व्यापारियों से चर्चा करते हुए कहा कि शहर के विकास के लिए टैक्स जमा करना बहुत जरूरी है। टैक्स के मामले में किसी भी प्रकार की कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि लोगों ने टैक्स जमा नहीं किया तो उनकी संपत्ति की कुर्की करने की कार्रवाई नगर निगम जल्द से जल्द करेगा। कैंप लगाए गए और कितने करोड़ की राजस्व बकाया है, और आपने आज व्यापारियों से भी इंडस्ट्री भी आपने चर्चा की है, तो क्या इसके परिणाम आए? निश्चित तौर पर परिणाम अच्छे ही आते हैं जब प्रयास करते हैं। तो हमारे नगर निगम की लगभग जलकर और संपत्ति कर को अगर दोनों को मिलाएं तो पुरानी और नई दोनों तरह की, मतलब चालू वसूली और पिछले सालों का बकाया, तो लगभग 18 करोड़ के आसपास हमारा बकाया है। और हम निरंतर लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि वो पैसा जमा करें। आज हमारे शहर में 3 कैंप चल रहे हैं, एक जीवाजीगंज में है, एक ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, एक ये इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ लगाया हुआ है। तो आज इंडस्ट्री वालों से भी मेरी बात हुई है, उन्हें कुछ गलत फहमियाँ थी वो आज चर्चा के दौरान हमने उनकी दूर करी हैं, और उनसे मैंने अनुरोध किया है कि आप हमारा जो बकाया है संपत्ति कर वो जमा करें। जहाँ तक इस तरह की छूट की सवाल है तो एज पर रूल्स जो हमारे हैं उसके तहत सरचार्ज में जो भी छूट बनती है वो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये पूरे नगरवासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो आप हमें देते हैं वही हम आपको वापस करते हैं। यदि आप हमें संपत्ति कर जलकर के रूप में हमारे राशि नगर निगम में देते हैं तो उसी पैसे से हम आपको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, उसी पैसे से साफ़ सफाई, पानी आदि जो भी है, जो सेवाएं नगर निगम से लोगों को अपेक्षित हैं वो हम प्रोवाइड कराएंगे। हमारी सभी नगरवासियों से अपील है कि जो हमारे कैंप चल रहे हैं उन कैंपों में जाकर के उनके ऊपर जो भी बकाया है संपत्ति कर का वो जमा करें। और इसके अतिरिक्त हमारे लोग भी डोर टू डोर जा रहे हैं तो लोगों को निराश ना करें। और अंतिम विकल्प फिर ये रहेगा कि अगर नगर निगम द्वारा सख्ती से कार्रवाई की गई तो उससे लोगों को परेशानी होगी। तो मेरा ये अनुरोध है कि लोग परेशानी से बचें और अपना संपर्क